आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली के बारे में है। राजा भोज एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदल कर उनके घरों के आसपास घूमते हुए अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब की झोंपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर झोंपड़ी के अंदर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। उस ब्राह्मण की झोंपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने जजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करवा सकूं। मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी। कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, मैं एक 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। राजन, अब ऐसी स्थिति में मुझे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के गरीब ब्राह्मण को दे दिए। उस ब्राह्मण के पास अब इतना धन हो चुका था कि अब वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसने वह सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब उस ब्राह्मण ने संदूक को खोला तो सारे सोने और चांदी के सिक्के गायब थे। ये देखकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति उसके घर के अंदर आया भी नहीं, तो वह सिक्के कहाँ चले गए? अब वह ब्राह्मण दुखी होकर दूसरे दिन फिर से राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। ब्राह्मण ने राजा को रात की घटना का सारा हाल बताया। राजा ने दूसरी बार भी उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। दोबारा सोने और चांदी के सिक्के पाकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन सिक्कों से अपना नया घर बनवा सकता था, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। जब ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद सोया हुआ था, तब उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे सपने में कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं आपसे वह सिक्के वापस लेने आया हूं जो मैंने तुझे सुबह दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह सोने और चांदी के सिक्के राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी वह सिक्के संदूक से गायब थे। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह गरीब ब्राह्मण सुबह दोबारा राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को रात्रि के स्वप्न की पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए। वह उसकी बात सुनकर चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को 100 सोने और चांदी के सिक्के दोबारा दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण सोने और चांदी के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। लेकिन राजा ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि में
खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा उस ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब रात्रि का तीसरा पहर हुआ तो वहां फिर से एक विचित्र घटना घटी, जिसे देखकर राजा हैरान हो गया। राजा ने देखा कि वहां पर बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत जैसा एक व्यक्ति उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर उससे बैस सोने और चांदी के सिक्के वापस मांग रहा है। ये देखकर राजा बोझ से रहा नहीं गया। राजा उस अपने हम शक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, श्रीमान आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप इस राज्य के राजा तो नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से इस ब्राह्मण को क्यों दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इसी कारण इस ब्राह्मण का यह सारा धन गायब हो जाएगा या इसका बना बनाया घर गिर जाएगा। यह ब्राह्मण इस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख भोगना इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस ब्राह्मण को यह निर्धनता इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के लिए ही मिली है। राजा भोज ने अपने उस हमशक्ल से कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। राजा ने उससे बहुत प्रार्थना की। राजा का वह हमशक्ल कहने लगा कि राजन होनी का दंड तो सबको मिलता है, मनुष्य तो कर्म और भाग्य का गुलाम है, तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये प्रकृति ही सबको अच्छा या बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। ये कहकर वह राजा का हमशक्ल वहां से गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गए। राजा के साथ अपने कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से नीचे गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। इस कारण राजा ने दूसरे राज्य के सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर उन सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर उन्हें मारा पीटा और घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी राज्य का रहने वाला गंगू तेली वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर घायल राजा भोज पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया। ये राजा के भाग्य की विडंबना ही थी कि भाग्य ने उस राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा के जख्मों की मलहम पट्टी की। उसके बाद राजा भोज को जब होश आया तो उसने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया था कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है। इसे शत्रु समझकर सैनिकों द्वारा पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि उनकी सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा सिद्धराज उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा।
इसलिए राजा भोज चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्लू चलाने का काम दिया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्लू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा भोज की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि यह उसका दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा भोज स्वभाववश एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। जब राजा भोज कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ साथ सभी उसके गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा सिद्धराज भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी वसुंधरा भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा सिद्धराज के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। एक दिन सिद्धराज के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। उस आयोजन में सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को वहां जाने के लिए तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चले गए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। राजा का गाना सुनकर दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजा का गाना सुनकर राजकुमारी वसुंधरा खुशी से चिल्लाकर कहने लगी, महान गायक, सर्वश्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी वसुंधरा का इस तरह चिल्लाना राजा सिद्धराज और राज दरबारियों को बहुत अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी वसुंधरा एक साधारण आदमी को इस तरह अपना मान लेगी। अपना मान लेने और विजयी मान लेने का मतलब था अपना जीवन साथी मान लेना। राजा सिद्धराज ने राजकुमारी वसुंधरा से कहा कि बिना किसी का वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण वंश से नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजा की बात सुनकर राजकुमारी वसुंधरा ने कहा कि पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन वंश का राजकुमार है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां चार विद्वान कर्मदेव, धर्मदेव, तपदेव तथा पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे चार विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन चार विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव,
इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश विदेश का ज्ञान है, इस धरा पर जो राजा भोज हैं, उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है, इसलिए मेरे ज्ञान के अनुसार राजा भोज ही सबसे अधिक धार्मिक युवक हैं। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच में पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती, इसलिए मेरे ज्ञान के अनुसार राजा भोज ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। राजा सिद्ध देव ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि कर्मदेव, आप बताएं इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी वसुंधरा का पाणी ग्रहण कर सके? पुण्यदेव ने कहा कि महाराज, इस धरती पर तो ऐसी पुण्य आत्मा राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। राजा भोज तो बिल्कुल शांत और गंभीर खड़े थे। राजा सिद्धराज ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु तुमने हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने ना जाने कैसे अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों कर डाली? हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ये चारों गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें, राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? राजा ने कहा, युवक, तुमको पता नहीं हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है। वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। राजा सिद्धराज ने कहा, इसका क्या मतलब है और कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी जभाग्य। राजा भोज अभी भी इन सब गुणों के होने के बावजूद भी दर्ब दर की ठोकरें खा रहा है। होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। राजा सिद्धराज ने कहा कि क्या तुम ही राजा भोज हो युवक? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात राजा को कह सुनाई। उन्होंने बताया कि महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दासता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में वरमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर बहुत प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जवान पर एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।